हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चरणजीत, नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सौंफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। दोस्तों, जिसे हम फेनल सीड्स भी इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। इतनी छोटे छोटे और इतने खुशबूदार हैं ये, और इसके बगैर हमारा खाना अधूरा है। जैसे देखिए, आप होटल में भी जाते हो या आप घर में भी खाना खाते हो, तो आप इस सौंफ का इंतज़ार करते हो कि कब हम ये खाएं और हमें खाना हजम हो और स्वाद भी बहुत है इसका। तो दोस्तों, देखते हैं आज हम इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे हम कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसे वेट लॉस में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे आपको जैसे कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, जैसे जिसे हमें GERD कहते हैं दोस्तों, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही मानने में मैं समझाना चाहूँ तो एसिड रिफ्लेक्स सही बात रहेगी, जैसे जल्दी आप समझोगे, जिसमें खाना ऊपर की तरफ आता है, खट्टा खट्टा डकार ऊपर की तरफ आते हैं और आपका गला पक जाता है और आप में एसिड ज़्यादा बनती है, जिससे आपकी स्टमक की लाइनिंग में ख़राब हो जाती है और आप हमेशा गैस और पेट पकड़ के बैठे रहते हैं और आप सही तरीके से, आपको भूख नहीं लगती और आप खा नहीं पाते हो। तो दोस्तों, सबके चीज़ के लिए ये बहुत ही रामबाण चीज़ है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको आप किस प्रकार अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हो और इससे अगर आप वज़न भी घटाना चाहो तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, ये जैसे कि बताती हूँ, छोटे छोटे दाने हैं, सीड्स हैं, लेकिन ये बहुत ही आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है और ये इसमें विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फरस है, पोटेशियम है, विटामिन ए, विटामिन सी और बहुत सारा फाइबर है इसमें। जैसे कि फाइबर हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चिकनी चीज़ें खाते हैं तो हमारे जो कॉलन है उसमें जाके ये चिकनी चीज़ें कॉलन में फंस जाती है, क्योंकि उसका जो आकार है अंदर से वो थोड़ा जिग जैग टाइप का है, वेव्स जैसे। तो उसमें क्या होता है कि जब हम स्टिकी चीज़ें खाते हैं, जैसे चिकनी चीज़ें, तो हमें हजम नहीं हो पाती और वो फंस जाती है और वो पूरी तरह हमारा मल त्याग नहीं पाते हैं और हमें गैस और खट्टी डकारें होती रहती है और हमें आगे भूख नहीं लगती है और हम समझते हैं हमारा पेट साफ़ हो गया, बीच में से असल में वो नहीं हुआ होता है। तो ये फाइबर जो होता है हमारे शरीर में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे वो मल त्यागने में और हमारी कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा होता है। तो चलिए देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, ये वेट मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि ये फाइबर का काम करता है, आपके खाना को हजम करता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। और अगर खाना हजम हो जाए तो नेचुरली आप में ताकत बनेगी इंस्टेड ऑफ फैट, उस प्रकार आप इसे ले सकते हो। और ये जैसे आपके लेडीज़ के लिए जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, जिसे PMS कहते हैं, उसमें भी फ़ायदा होता है। आपके बोन स्ट्रेंथ में बहुत ही बढ़िया है, हाई BP को कम करना, डायबिटीज़ को रेगुलेट करना, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं देखिए। और साथ ही में ये आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और आपको नींद बेहतर दिलाता है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे बनी रहती है और साथ में आपके जो बोन्स है और टीथ है उन्हें स्ट्रेंथन करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका हेल्दी डाइजेशन होता है और ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। सौंफ जो है ये प्रोटीन को बनाने में मदद करती है और ये बहुत ही हमारे शरीर में जो पोटेशियम की कमी हो जाती है, देखिए हम बहुत सारे लोग जैसे कि ना एक्सरसाइज करते हैं या उठते हैं बैठते हैं या ज़रा सा भी पैर मोड़ते हैं तो उनके पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं या उनके शरीर में कहीं से वल पड़ जाते हैं, जिसे हम क्रैम्प्स कहते हैं। तो दोस्तों, पोटेशियम की कमी से ज़्यादा करके होता है और लोगों को समझ नहीं आता कि क्या है, तो ये वो दूर करने में भी मदद करती है, आपके सेल्स को हेल्दी बनाती है और आप में आपको पूरी तरह एक्टिव बनाती है, आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारक है दोस्तों। और इससे आपकी आंखें भी स्वस्थ होती है, ये इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी ज़्यादा होने करके आपके जो सर्दी खांसी है वो दूर होती है, साथ में आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन बनता है
और जैसे मैंने बताया पहले ही कि आपके डाइजेस्टिव और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। साथ ही में दोस्तों, जैसे कि कई लोगों को जैसे यूरिन खुल के नहीं आता है, और आप उनके शरीर में उनके जोड़ों में सूजन सी आ जाती है, तो ये डायुरेटिक है। जैसे इससे आपको यूरिन खुल के आएगा और आपके जो सूजन है, जैसे जोड़ों की सूजन है या आपके शरीर में लातों में सूजन है या आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, तो उसे दूर करने में मदद करती है, और ये किडनी स्टोन बनाने को भी रोकती है। कईयों के जैसे किडनी स्टोन बहुत बनते हैं, तो उन्हें भी रोकने में मदद करती है। आपकी एसिडिटी जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके लिए बहुत ही बेहतर है, और आपका खून भी बढ़ाती है, और अगर किसी प्रकार की आपको सांस की तकलीफ़ है तो वो भी दूर करती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और आपका जो स्किन है, टेक्सचर है, वो भी इससे बहुत इम्प्रूव होता है। दोस्तों बहुत ही लाभकारक है, इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। देखिए इसे बहुत तरीके से आप ले सकते हो, दो तरीके से ले सकते हो, जैसे कि आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा इसे चबा के खा जाएं, या कईयों के जैसे आजकल दांतों में वो अटक जाती है तो वो खाना नहीं पसंद करते, तो इसका एक और तरीका है, जैसे कि आप मैंने पानी बना के इसे पी सकते हो आप सुबह। देखिए मैं कैसे बनाते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, एक गिलास पानी लेना है रात को, और उसमें एक चम्मच सौंफ डाल देनी है इस प्रकार, और आपको रात भर इसे रख देना है ढक के। सुबह आप उठोगे तो इस पानी को आप वार्म करके भी पी सकते हो, अगर आपको वार्म सुबह पीना पसंद है तो वार्म पी सकते हो, कई लोग नहीं पी सकते हैं वो भी इसे छान के वार्म नहीं, बिना वार्म किए भी पी सकते हैं, छान के और इसे पी जाइए। और इसकी सौंफ क्या होता है कि वो नरम पड़ जाती है पानी में भीगने करके, तो वो सौंफ भी आप ना फेंकते हुए दिन भर जब भी आप कुछ खाते हो तो वो सौंफ आप चबा के खा सकते हो, फिर वो आपके दांतों में नहीं अटकेगी, और इस प्रकार आप इसे ज़िंदगी में अपना सकते हो, इसके फ़ायदे उठा सकते हो, और इसे आप खाते रहोगे तो आपका खाना अच्छे से हजम होगा, आपका वेट बढ़ेगा नहीं, और आप में एक खुशी रहेगी क्योंकि आप स्वस्थ फील करोगे, आप फिज़िकली एक्टिव फील करोगे। तो ज़रूर इसे खाइए, अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और इसके फ़ायदे उठाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जी हाँ दोस्तों ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।